बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं पॉलीनोमियल्स। इसकी एक्सरसाइज 2.1 हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलीनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ये कह रहे हैं कि इन एक्सप्रेशन में कौन से जो है पॉलीनोमियल्स हैं वो वन वेरिएबल वाले हैं और कौन से नहीं हैं, आपको रीज़न भी बताना है। तो देखो, एक्सप्रेशन जो वन वेरिएबल वाले होते हैं उसमें ओनली आपका जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल का ओनली वन अक्षर यूज होता है, ओनली एक ही अक्षर यूज होता है और बाकी नहीं होते हैं। तो देखो, फर्स्ट में वेरिएबल ओनली क्या है, एक्स, तो वन वेरिएबल है ये, यस इट इज वन वेरिएबल एक्सप्रेशन। और वन वेरिएबल कौन सा है, एक्स, ठीक है। इस तरह से वाई भी क्या है, वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर ओनली इंग्लिश का एक अक्षर यूज हुआ है, तो क्या लिखेंगे, यस इट इज वन वेरिएबल एक्सप्रेशन। और आपका जो वन वेरिएबल है वो क्या है, यहाँ पर वाई, ठीक है। यहाँ पर वन वेरिएबल थर्ड वाला जो है वो पॉलीनोमियल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब भी एक्सपोनेंट पावर आती है, यानी कि 1/2 ऐसे पावर आती है, तो उसको हम पॉलीनोमियल नहीं मानते, ये पॉलीनोमियल ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल बिकॉज इट्स एक्सपोनेंट पावर इज नॉट अ होल नंबर, ओके। इसी तरह से यहां पर भी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर -1, नेगेटिव पावर भी नहीं हो सकती, ठीक है। और यहाँ पर कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं, 3, तो ये दोनों आपको करने हैं, आपको लिखने हैं, आपका क्या है, होमवर्क। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब कि एक्स स्क्वायर से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से कुछ नहीं लिखा है आगे, मतलब क्या लिखा हुआ है, 1, तो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 नहीं, क्या है, -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन भी इंक्लूड होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, π/2, और इसमें कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, जीरो, क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या है, 1, x स्क्वायर है ही नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ पावर क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, कुछ भी कोफिशिएंट हम यूज कर सकते हैं, कोफिशिएंट यूज करने का हमें नहीं है, हमको पता है बाइनोमियल अगर हमें एक्सप्रेशन बनाना है तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन में टर्म्स कितनी होती हैं, 2 टर्म्स वाला बनाना है, ठीक है, जिसकी डिग्री 35 हो, यानी कि जैसे आपने 6y की पावर कितनी ले लो, 35, ठीक है, प्लस 9, ये आपका बाइनोमियल बन गया। अब आपको क्या बनाना है, मोनोमियल, मोनोमियल में ओनली कितनी टर्म्स होती है, 1, तो मोनोमियल एक्सप्रेशन ओनली 1 टर्म यूज करेंगे हम, तो 1 टर्म के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, आपको डिग्री क्या देनी है, 100, तो 5 वो y की पावर 100, ये भी आपकी क्या है, टर्म्स है, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ भी दे सकते हो, 6z की पावर 100, ये भी सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस वीडियो में हमारा कंप्लीट होता है।